कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल 20 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश जारी किया था। केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से इस पर समर्थन मांगा है। खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले ही इस अध्यादेश का विरोध करते हुए केजरीवाल को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले का विरोध किया था। पार्टी में विवाद के बाद खड़गे ने कहा था कि वे दिल्ली और पंजाब के नेताओं से बातचीत के बाद इस पर अंतिम फैसला करेंगे। इसके बाद ही आज बैठक हो रही। केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर पार्टी के नेता दो गुटों में बटे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर केंद्र सरकार अध्यादेश को लेकर राज्यसभा के मानसून सेशन में बिल लाती है तो हमारे सांसद इसका विरोध करेंगे। वेणुगोपाल के इस बयान के बाद 23 मई को दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की थी। इसमें प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे। इसमें दोनों राज्यों के नेताओं ने शराब नीति केस में केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज होने का हवाला देकर उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।